एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन थर्ड करते हैं. इन फिगर 6.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई. ये आपकी बुक का फिगर 6.41 है. ओके और इसमें कहा गया कि ए बी एंड डी ई दोनों पैरेलल हैं. एंगल बी ए सी, बी ए सी इज 35 डिग्री गिवन है एंड एंगल सी डी ई इज 53 डिग्री. हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी सी ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ओके जो भी हमें गिवन है आप नोट डाउन कर लीजिए. ओके हमें कहा गया कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई. ओके और एंगल बी ए सी हमें गिवन है 35 डिग्री और हमें एंगल सी डी ई भी गिवन है 53 डिग्री. ओके टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई. ओके नाउ सॉल्यूशन. अब आप एक चीज़ देखो, ए बी ये है और डी ई ये लाइन है, ये पैरेलल हैं ये दोनों. ओके ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और यहाँ पर ये 35 डिग्री है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. ओके यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ओके अब एंगल ए 35 डिग्री है तो एंगल ई भी तो 35 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू 35 डिग्री. आप रीजन बताएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल्स ओके यहाँ पे आप देखो ये 35 डिग्री हो गया. अब ये क्या है, ट्राइंगल है. ट्राइंगल का नाम क्या है, डी सी ई. इन ट्राइंगल डी सी ई यहाँ पर हमें डी सी ई एंगल फाइंड करना है और आप देखोगे ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे इन तीनों ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री. अब इन तीनों का नाम लिख दीजिए, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी सी ई. ओके इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से. और एंगल डी कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, देखो एंगल डी सी डी ई, सी डी ई यानी कि ये वाला एंगल 53 डिग्री. आप यहाँ 53 डिग्री लिख सकते हैं. एंगल ई, ई कितना है 35 डिग्री और एंगल ई हमने कितना फाइंड आउट किया 35 डिग्री. आप यहाँ पे 35 डिग्री लिख दीजिए प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके सी ओके अब इनको ऐड कर दीजिए तो 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री आप इसको राइट हैंड साइड लेकर आएँ तो ये हो जाएगा 88 डिग्री. तो एंगल डी सी ई इक्वल्स टू इनको सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया तो 9. ओके तो 92 डिग्री आया है हमारा आंसर. और इस तरह से हमने क्वेश्चन थर्ड भी फिनिश कर दिया है.